बीती रात गणेशपेट थाना अंतर्गत स्वीपर कॉलोनी भालदापुरा में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में फिलहाल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है कि हत्याकांड अवैध संबंधों को लेकर होने की जानकारी मिली है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। बीती रात गणेशपेट थाना अंतर्गत सीपर मोहल्ले में विजय अंकुश ताईवाड़े उर्फ चीनी भालदारपुरा निवासी की चाकू और फाइटर से हत्या कर दी गई। घटना को अवैध संबंधों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी चंद्रपुर से तड़ीपार सूरज धापोड़कर, जिसके ऊपर 17 मामले दर्ज है, उससे बात करने के लिए चंद्रपुर से नागपुर आया हुआ था और आपसी बहसबाजी किए जाने के बाद इस घटना को अंजाम दिए जाने की जानकारी मिली है। मृतक ने संशय के आधार पर गिरफ्तार किए हुए आरोपियों को भी धमकी देने का काम किया था। बताया जा रहा है कि मृतक का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो वहीं लोगों की माने तो ये मृतक बस्ती में छेड़खानी और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। घटनास्थळी भेट दिलं, त्या ठिकाणी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला एक भालदारपुराचा इसम, ज्याचं नाव विजय अंकुश ताईवाडे, वय 22 वर्ष, त्याचा क्रिमिनल रेकॉर्ड पण आहे आणि त्याची मर्डर झाल्याची माहिती मिळाल्यावर आम्ही पंचनामा करण्यात आलं। तिथं रात्री वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट झाली, पण नेमकं हत्येचे कारण काय ते लोकांकडून समजलं की हा छेडखानी करतो, रंगदारी करतो आणि 4-5 दिवसापूर्वी त्याच्या आजीचं पण एक रिपोर्ट होतं NC, त्याच्यात पण आम्ही त्याला अटक केलं होतं, एक गुन्हा पण दाखल झाला होता, त्याला अटक केलं होतं मृतकाला। आणि मृतकांनी हे जो संशयित आरोपी आम्ही जे ताब्यात घेतलेले आहे त्यांना पण धमकी दिलं होतं, तुम्हाला मर्डर करूंगा, अशा पद्धतीने त्याच्या धमक्या पाहून ह्या लोकांनी 12-12:30 दरम्यान 8 तारखेच्या रात्रीच 12-12:30 दरम्यान गेले। आम्हाला खबर मिळालं 1:30 वाजता, तर संशयित आरोपीनं आम्ही ताब्यात घेतलं, तपास सुरू आहे। त्याच्यात ताब्यात घेतलेल्यापैकी एकावर टोटल 17 गुन्हे आहे की तो लकडगंज परिसरातला आहे, सूरज उर्फ वाट्या, तो चंद्रपूरला तडीपार आहे। ह्यांनी मृतकांनी फोन केला होता, याला धमकी दिला म्हणून ह्याची समजूत काढण्यासाठी भेटीसाठी आले होते, त्या दरम्यान हा घटना घडलेली आहे। त्याच्यात प्रॉपर लोकलचे जे मृतकाच्या शेजारी आहेत बक्सरे आणि इतर लोक जे आहेत संशयित आहे, सर्व संशयित आहे, तपास सुरू आहे। तर यांनी होऊ शकते यांनी त्याचं मर्डर केलं असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे। सध्या आरोपींचे नाव क्लिअर सांगता येत नाही, ताब्यात घेतलेलं आहे, चौकशी सुरू आहे। गौरतलब रहे की एक ओर तो मृतक का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो वहीं दूसरी ओर मृतक की बहन की माने तो संदेह के आधार पर गिरफ्तार एक और आरोपी पप्पा बैसारे की पत्नी नैना बैसारे का मृतक के साथ अवैध संबंध होने की जानकारी है। मृतक को कई बार नैना बैसारे से दूर रहने की धमकी भी बस्ती में दी गई थी, इसके बावजूद वो नहीं समझ पा रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिए जाने की जानकारी मृतक की बहन ने NBCN संवाददाता को दी। हमको पुलिस वालों ने आके बताया कि विजय का मर्डर हुआ करके, फिर हमारी मौसी लोग ने हमको बताया, उसको शनिवार के दिन मारने के लिए भी आए थे, 4-5 फुट्टे वो भग गया था, डंडे से मारा और भग गया था, उसके बाद उसको कली मार दी, फिर पुलिस वालों ने बताया। क्या कुछ रीजन समझा, क्यों मारा? उसकी वाइफ के चक्कर में मारे होंगे, वही पापा पुंगी के वाइफ के चक्कर में, नैना बक्सर है कि उसका लफड़ा था ना उसके साथ, पैसे भेजती थी, मोबाइल लेके दी उसको, कपड़े लेके देती थी, मिलने जाती थी, घूमने जाती थी, तो उसके आदमी ने देखा होगा तो इस कारण मारा होगा। कुछ जानकारी नहीं, बस उसको घर में रख दिए थे, बस पुलिस वाले आए कि चीनी का मर्डर होगा करके, हमको मालूम भी नहीं था कि घर के अंदर पड़ा है करके, वो हमको घर के अंदर जाने भी नहीं दिए, बोलते पुलिस वालों ने मेरी मौसी लोगों को, किसी को नहीं जाने दिए। आपको बता दें कि एक ओर तो शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के कामों पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। एक तड़ीपार युवक खुलेआम जनता के बीच आकर ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है, ये बात पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ी कर रही है। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।